कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का आरोप। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम सिर्फ दिखावा, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिया। 2022 में ब्राह्मण समाज अपने पुराने परिवार कांग्रेस में वापस आकर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहा है। अब चुनाव के समय समाजवादी पार्टी को याद आ रही है, लेकिन 4.5 साल में भाजपा की सरकार में जब ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा जा रहा था, परिवार के परिवार जिंदा जलाए जा रहे थे, उनकी हत्या की जा रही थी, उस समय तो कहीं पर समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं दी। उस समय अगर कोई खड़ा था उनके साथ सड़क से लेकर संसद तक, तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। समाजवादी पार्टी बताए कि जब रायबरेली में ब्राह्मण परिवार को जिंदा जलाया गया, प्रतापगढ़ में ब्राह्मण पत्रकार की हत्या की गई, एटा में परिवार को, झांसी में परिवार को जलाया गया, उस समय उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? ब्राह्मण समाज जानता है कि अगर उनका कहीं सम्मान है तो कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने तो 6-6 मुख्यमंत्री दिए, उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मंत्री दिए। समाजवादी पार्टी बताए कि 14% ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश में वोट की हैसियत रखता है, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कितने टिकट देंगे। अब इन मूर्ति लगाने की ड्रामेबाजी से ब्राह्मण समाज भ्रमित होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में अपने पुराने परिवार में ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी में आ रहा है और वोट देने जा रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब कोई भी सपा का नाटक चलने वाला नहीं।